हाँ जी मैम। मेरा खाना कहाँ है? मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैंने पूछा मेरा खाना कहाँ है, इतना टाइम लगता है ऑर्डर लाने में। मैम देखिए मेरी बात सुनिए, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों के लिए टाइम की कोई वैल्यू हो ना हो, बट मेरे टाइम की ना बहुत ज्यादा वैल्यू है। घूर क्या रहे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे घूरेगा? अब ना चुपचाप जाके जल्दी से मेरा खाना लेके आ, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगी ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। गेट लॉस्ट इडियट। अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सर सॉरी। और ये हालत क्या बना रखी है तुमने? वो सर लड़की आई है, सुनने को राजी नहीं है, उसने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया सर। यार ये गरीब हुआ, औकात नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है सर। चलो कोई नहीं, एक काम करो मैं उसे देखता हूँ। हाँ थैंक यू सर। जाओ। एक्सक्यूज मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुबह से ना फटीचरों की शक्ल देख देख के ना पूरा दिन खराब होता जा रहा है। मेरी छोड़ो, तुमने उस वेटर के साथ क्या किया? तो तू उसका इतना हिमायती क्यों बन रहा है? अच्छा हाँ, वो तेरी बिरादरी का होगा ना, जैसे तू गरीब वैसे वो भी गरीब, समझ सकती हूँ। तुम ना थोड़ी सी तमीज से बात करो। तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, और तू मुझे कह रहा है कि तमीज से बात करो? और तू भूल गया क्या वो दिन जब तेरी जेब में चिल्लर भी नहीं होते थे मुझे घुमाने के लिए? और आज भी तेरी हालत कुछ वैसी ही है, जैसे आज तूने कोट किसी का मांग के पहना ना। थैंक गॉड मैंने तुझे टाइम रहते छोड़ दिया, वरना आज ना मेरी हालत भी कुछ ऐसी होती कि मैं भी लोगों से कपड़े मांग के पहनती, भीख मांग रही होती, तेरी तरह गरीब और लीचड़ होती। मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मेरा साथ छोड़ दिया, वरना आज जिस मुकाम पे हूँ ना उस मुकाम पे नहीं रहता। ओ रियली? मुकाम किस मुकाम पे वैसे तू? तुम जिस रेस्टोरेंट में बैठी हो ना मैं उसका मालिक हूँ। ओह अच्छा, ये तो मुझे पता था कि तू गरीब है, बट ये नहीं पता था कि तू गरीब के साथ साथ झूठा भी है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का मालिक ना मेरा भाई है, समझा? अच्छा इस रेस्टोरेंट के मालिक की बात कर रही हो, कौन? वो आदित्य? एक काम करो तुम उसे बुला ही लो, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगा। हाय भाई। हाँ भाई आपकी ना रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, वो क्या है ना एक भिखारी गली चढ़ ना मेरे को परेशान कर रहा है, प्लीज आप आइएगा। ओके नाउ वेट एंड वॉच। हाँ राधिका बताओ। हाँ भाई ये गली। एक मिनट सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? व्हाट सर? भाई आप इस गलीचड़ को सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये हमारे बॉस है राधिका। बॉस? लेकिन भाई आपने तो कहा था कि आप हो इस रेस्टोरेंट के मालिक, तो आप इनको बॉस क्यों बोल रहे हो? मैं हूँ इस रेस्टोरेंट का मालिक, लेकिन ये इस फ्रेंचाइजी के मालिक है, ऐसे 10 रेस्टोरेंट है इनके पास, और तुम ऐसे बात कर रही हो उनसे। सर कुछ हुआ क्या आप बताइए मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन तमीज भूल गई थी, मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी, और यही नहीं इन्होंने एक वेटर के ऊपर पानी भी फेंका, केवल इसलिए कि ऑर्डर लेट हो गया। सर इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो छोटी है गलती होगी उससे, आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए। तुम माफ़ी मत मांगो, तुम इनको थोड़ी सी तमीज सिखाओ। आदित्य तुम एक अच्छे इंसान, अपनी बहन को भी अच्छा इंसान बनाओ। और मैडम आपका ऑर्डर 2 मिनट में आ जाएगा, आप अच्छे से खाओ और इन्जॉय करो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।